फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए क्या मैं बना रही हूँ। जाड़े के समय आते ही हमें लाल मिर्च की याद आ जाती है। सभी जगह तो लाल मिर्च नहीं मिलती है, ये मोटे वाले जो अचार बनाते हैं, और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो और भी नहीं मिलते हैं, मोटे मोटे पतले पतले ही अचार मिलते हैं। जो भी मिलते हैं उसे ही मैं बनाती हूँ। इसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और पराठे सब में तो बहुत पसंद किए जाते हैं। जब भी पराठे सब बनाइए तो ये मिर्च के अचार बहुत याद आते हैं। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। इसे पहले अच्छे से मैंने धो लिया है, इसके बाद उसे थोड़ा सा हवा में डाल के सुखा लिया है पानी में। ये देखिए दागी उगी रहेगा मिर्ची में चलेगा, लेकिन सारा गला नहीं होना चाहिए, एकदम साफ फ्रेश होना चाहिए, तभी उसके अचार बनेंगे तो अच्छे लगेंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे अचार। तो चलिए देखिए कितने सब मिर्ची है मेरे, चलिए देखते हैं कैसे मैं बनाती हूँ। इसे देखिए ऊपर की डंठल पहले मैं इसको काट लेती हूँ, पतले पतले हैं, इसको भरने में दिक्कत तो ज़रूर आएगी, लेकिन फिर भी मैं इसे आधा पूरा चीरा लगा के करूँगी, आधा पूरा भर के करूँगी, उसका बीया पूरा निकालूँगी। ये देखिए पहले मैंने ऊपर के डंठल काट लिए हैं, इस तरीके से मैंने सारे डंठल को काट लिए हैं। देखिए सभी मिर्च के मैंने डंठल काट के हटा दिए हैं ऊपर के। अब उसके अंदर के सारे बीए जो हैं मैं उसे बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि तीखी मिर्ची ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसे मैं निकाल करके उसे मसाले में मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने सभी खाली कर दिए हैं, कुछ मिर्च मैंने बचा के रखे हैं जिसे मैं अभी निकाली नहीं हूँ बीए, और देखिए उसे मैं डायरेक्ट चीरा लगाऊंगी। देखिए सारे बीए मैंने निकाल लिए हैं, इसे मैं मिक्स में डाल के ही यूज करूँगी, मैं फेंकूंगी नहीं अन्ना। देखिए ये आमचूर पाउडर है, यदि आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो नींबू दे सकते हैं। ये हींग है, जीरा है, क्या क्या मसाला यूज कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ मैं, अजवाइन, ये धनिया, ये मेथी मेरा भुना हुआ रखा हुआ था, उसे थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है, ये हो गया आपको काली मिर्च। सभी मसाले को मैं जिसकी ज़रूरत है, जैसे धनिया, जीरा, काली मिर्च, अजवाइन, ये सौंफ, इन सभी को तभी तक मैं भूनूंगी जब तक इसकी थोड़ी सी नमी खत्म हो ना हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ नमी ख़त्म हो जाए उतना ही भर भूनना है। ये देखिए मैं हल्का तेज आंच पे नहीं भूनना है, धीमी आंच पे ही आराम से सिर्फ नमी ख़त्म करना है। ये ठंडा हो जाने पे इसे मैं दरदरा पीस लूँगी। सभी मसाले को नहीं भूनना है, देखिए मैंने दरदरा पीस लिया है, अब इसमें मैं बाकी के सारे मसाले को मिक्स करूंगी। ये सरसों है जिसे मैं मिक्स करूंगी मसाले में, मैं तेल जो मिलाऊंगी उस तेल को मैं पहले गरम कर लेती हूँ, और सिर्फ धुआं आने तक ही उसको गरम करना है, ज़्यादा उबालना नहीं है। ये देखिए अब मैं मसाले में सारे मसाले मिक्स करूंगी। ये सरसों में मिक्स कर दी, नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा, न ज़्यादा कम न ज़्यादा डालना है। ये हींग है, क्योंकि अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा ही दिया जाता है। हल्दी, ये आपका आमचूर पाउडर है, यदि नींबू नहीं है तो आमचूर पाउडर डालिए, आमचूर नहीं है तो नींबू डाल सकते हैं, दो में से कोई एक डाल दीजिए।
पर खटाई आ जाती है, खटाईपन तो अच्छा लगता है। ये देखिए, और जो मिर्ची के बीए मैंने निकाल के रखे थे वो सभी को मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, सभी को अच्छे से मिला लेना है। सच पूछिए दोस्तों, लाल मिर्च का बात ही कुछ और है। यदि आप नहीं बनाइएगा तो पछताइएगा, इसलिए एक बार ज़रूर आप इसे बना लीजिए। और हर घर में ही मिलना चाहिए ये अचार, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, स्वादिष्ट भी लगते हैं। आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं लेकिन सभी जगह नहीं मिलते हैं। इसमें मसाले में मैं 2 कलछुल या 3 कलछुल मैं तेल डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। देखिए मैंने मिक्स कर लिया, मसाला मिला लिया है अच्छे से। अब इसे मैं मिर्च के अंदर भरूंगी। मोटे मिर्च रहते हैं तो उसे भरने में आसानी होती है, लेकिन बहुत जगह मोटे मोटे नहीं मिलते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है भरने में। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो मिर्ची हमारे पास है उसे में खुश रहना है। तो ये देखिए, उंगली से ही मैं इसे भर रही हूँ। जब भरने में दिक्कत आती है तो इसे भरने के लिए एक किसी भी तरह का एक लकड़ी या सीक ले लीजिए, उससे दबा दबा करके भरिए। नहीं उससे भी होता है तो उसमें चीरा लगा करके आप आराम से भर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास सीक है तो उसे ऐसे दबा दबा के मैं भर रही हूँ। तो ज़्यादा मसाला भरा जाता है अच्छे से टाइट करके, देखिए पूरा अंदर तक चले जाती है। इस तरीके से मैंने सारे मिर्च में मसाले भर दिए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। ये देखिए आधे मिर्च मैं बोली थी ना इस तरह से रखी, उसे चीरा लगा करके ही बीच में मसाला में भर दी हूँ। देखिए ये भी अच्छे लग रहे हैं। दोनों तरीके से आप अचार बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसमें तेल, जो भी तेल जितना पूरा भर के तेल अच्छे से डाल दीजिए। धूप है तो धूप में डालिए, नहीं है तो आप घर में भी रख सकते हैं। 10 से 15 दिन में आराम से वो खाने लायक हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, सालों भर आपकी चलेगी इसमें ये अचार, सालों। फ्रेंड्स यदि आप लोग को ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। फॉलो करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए मैंने सभी को अपने जार में भर लिए हैं, जो भी तेल थे मैं डाल दी हूँ, अच्छे से भर दी हूँ। तेल के अंदर ही रहना चाहिए तो अच्छे रहते हैं, अचार ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए सभी अचारों को मैंने भर लिए हैं। चलिए इंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें, आगे भी मैं इसी तरह से वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगी, नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी।